सर 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 वो आधार कार्ड में ना ये हाँ बताइए क्या परेशानी है आपको। सर वो MBA के फाइनल ईयर का फीस पे करना था हाँ? तो लोन लेने के लिए बैंक गई। बिल्कुल। वहाँ जाने के बाद पता चला कि आधार कार्ड में नाम ही गलत प्रिंट हुआ है हुँ? लेकिन अब वैभवी की जगह वैभव लिखा हुआ बिल्कुल, है बिल्कुल। तो जब तक नाम नहीं चेंज कराऊंगी तो लोन नहीं मिलेगा नहीं। और जब तक लोन नहीं मिलेगा तो कॉलेज वाले फाइनल ईयर प्रमोट नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसी डिपार्टमेंट से हो? अरे नहीं मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो खुद इन चूतियों के चक्कर में फंसा हूँ। आप अंदर जाके पता कर लीजिए। सर आधार कार्ड एक्चुअली नाम गलत है यहाँ पे तो वो अपडेट करना है। कॉन्टैक्ट नंबर लो। मैम वो आधार कार्ड में अपडेट कर। काउंटर नंबर 9। सर वो आधार कार्ड अब। अरे यार क्या यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ करवा रहे हो? ये सरकारी कार्यालय मैडम, यहाँ पर डॉक्यूमेंट से ज़्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। सर ये नेम चेंज करना है। आप योगी के पास जाओ। अरे लखनऊ का नहीं, आधार कार्ड में अपना नाम करेक्ट करवाना है सर, एजुकेशन लोन के लिए। फॉर्म लाई हो? हाँ हाँ। सर मेरा फॉर्म। मेरी चटनी। मेरा फॉर्म सर। अरे चटनी तेल लगा फॉर्म कड़ाना भाई, दोबारा चटनी नहीं देंगे यार। आप देखिए काउंटर नंबर 4 से दोबारा फॉर्म ले आइए। सर वो आधार कार्ड का अपडेट। तुम? हाँ वो फॉर्म चाहिए। वो रश आ रहा रहता है ना थर्सडे को, तो भीड़ ज़्यादा है, बट इफ़ यू वांट यू कैन सिट हियर एंड फिल द फॉर्म। ओके थैंक्स। वो टेम्परेरी नहीं, वो परमानेंट एड्रेस भरना था। शुक्ला जी बॉस के यहाँ इन्वर्टर पहुँचा दिए और यहाँ लाइट वाइट के टिकट हम लोग मैच कैसे देखेंगे? देख नहीं पाओगे तो खेल लेना। खेल लेना कैसे खेलेंगे? उसके लिए तो विकेट बैट खरीदना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिख के इशू करवा लें क्या? बड़बक कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर मैच का तुमको इतना ही नॉलेज है तो मेरे साथ पेन टू प्ले फैंटेसी ऐप में टीम बनाकर मैच खेलो। ये तो बवाल चीज़ है। अरे बवाल ये नहीं, बवाल ये है कि तुम इसमें क्रिकेट के मजे के साथ साथ ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हो और इसमें एक से बढ़कर एक एक्सेसरी भी जीत सकते हो। वो घड़ी देख रहे हो? घड़ी यहीं से जीते हैं। लाइए लाइए अभी क्लीन स्वीप करते हैं। आप सर अपडेटेड फॉर्म लाओ। चटनी बड़ी जल्दी सीख गई। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी प्यारी हैंड राइटिंग। अच्छा आप एक काम कीजिए, एनरोलमेंट ऑफिसर आने का वेट कीजिए। मैं शुक्ला हूँ। ये तो मिश्रा है ना, है ना? ये मिश्रा है। सर अभी वो कब आएंगे? रास्ते में, वो थोड़ा लेट आते हैं। लेट सर? हाँ हाँ ऑफिस बंद होने के पहले आ जाएंगे, चिंता मत करो, आ जाएंगे आ जाएंगे। हेलो। हाँ बाबू। नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ, वो एनरोलमेंट ऑफिसर नहीं आया ना। हाँ बैंक में तो सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस इधर से वो अपडेटेड आधार कार्ड का रिसिप्ट लेना है और 5 बजे उधर पहुँचना है। मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। सेम रिएक्शन मेरा था भाई कि वैभवी यहाँ पे कैसे आ गई, वो बात अलग है। लेकिन रिलेशनशिप 3 साल का था या 30 साल का? भूलना नहीं है कि वो कैसे डंप करके गई थी तुझे। ओए डंप नहीं की थी, म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ था। म्यूचुअल ब्रेकअप जोखिमों के अधीन है, फीलिंग्स दोबारा पैदा करने से पहले पुराने चैट जांच ले। अरे नहीं दिया भाई मैंने कोई भाव, सामने से आ जाएगी तो बात भी नहीं कर। फॉर्म सबमिट नहीं हुआ क्या तुम्हारा अभी तक? एनरोलमेंट ऑफिस आएंगे तभी तो। मिश्रा जी 2 बजे तक तो आ ही जाते हैं, आए नहीं क्या अभी तक? मैं कॉल करता हूँ एक बार उनको। हाँ वो किसान बैठा है, किसान के साथ।
कॉल काट रहे हैं बार बार, लगता है कुछ इमरजेंसी होगी, अदरवाइज मेरा कॉल वैसे काटते नहीं है। मतलब सुनिए सुनिए सुनिए, अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि मिश्रा की पानी की टंकी फटने से पूरा बिल्डिंग टाइटैनिक बन गया है, अब वो शायद ही आ जा पाए। आप लोग कल आइए, ठीक है? जाइए जाइए, धन्यवाद। बहुत यार बहुत अर्जेंट है, आज ही अपडेट कराना था, कल तो मेरी ट्रेन है और मंडे से एग्जाम्स चालू। अच्छा सुनो, टेंशन मतलब मैं तुम्हारा आधार कार्ड वाला काम आज करवाई दूंगा। सर कुछ कर रहे थे क्या? कैंटू बुले पे चले जाए, सब कर रहा हूँ। नहीं मेरा मतलब सर, देखिए ना कितनी भीड़ हो गई आज, तो मैं क्या सोच रहा था आज आधार वाला काम मैं देख लूँ क्या। हाँ हाँ देखो देखो, कौन सी बड़ी बात है, ए हटो तुम लोग सामने से हटो, उनको देखने में दिक्कत हो रही है, लो देखो। सर मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि आज मिश्रा जी का काम मैं कर लूँ क्या। हाँ पर एनरोलमेंट ऑफिसर क्यों, देखो ना तुम मेरी कुर्सी ले लो, मैं बॉस की कुर्सी ले लेता हूँ, कैसा आइडिया है, कैसा आइडिया है ना? ये थोड़ी, अरे भाग यहाँ से, क्या बोल रहा था तू? ये को काम तुम करोगे तो मिश्रा जी क्या करेंगे? सर मिश्रा जी तो आए नहीं है ना, और आ गए तो उनको स्पीड पोस्ट वाला काम दे दीजिएगा। स्पीड पोस्ट वाला काम मत करो, वो थोड़ा हाँ पे आता है जल्दी। नहीं 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 नहीं, आप हमारी बात सुनिए, मकान मालिक तो मनमानी कीजिएगा क्या जी, हैं हमसे ना ज़्यादा रंगबाजी मत झाड़िए। कौन कह दिया आपको कि हम पानी की टंकी में डूब के नहा रहे थे जी? हाँ अच्छा, फिर से लीकेज हुआ तो हमारा सामान फेंकिएगा, फेंक के दिखाइए थोड़ा सा सामान, रखिए फोन। हाँ तुम हट, ऐसा कौन सा तूफान आ गया था, ऐसा कौन सा विपत्ति आ गया था कि हमारे बार बार फोन काटने के बावजूद भी तुम हमको कॉल पे कॉल कॉल पे कॉल कॉल पे कॉल किए जा रहे थे? हमारे पास ना तुम्हारे जैसा हीरो होंडा नहीं है कि फुर से बैठे और आ गए, 15 किलोमीटर दूर बस में लटक के चमगादड़ जैसा यहाँ पर आना पड़ता है, और सलाम बस पकड़े बैग पकड़े तुम्हारा फोन उठाए। सर मुझे नहीं इनको काम था। किनको? अच्छा हमसे काम था क्या आपको? जी सर। अच्छा नाइस टू मीट यू। नमस्ते सर। नहीं नहीं वो हम फॉर्म मांग रहे हैं, फॉर्म दीजिए। थोड़ा अर्जेंट था सर। अच्छा तो इनका अर्जेंट, अच्छा तो हम लोग ही मरवाने आए हैं। लेडीज के सामने गाली देता है रे, अरे निकाल उसको बाहर। कहीं का मैडम आइए आप हमारे साथ ही आइए, आइए 2 मिनट का काम आइए बैठिए। पूरा टेबल को जनसेवा एक्सप्रेस का डब्बा बना दिया है। कौन खा रहा था जी यहाँ समोसा? ए सुनो उधर से 4 समोसा लेते आना। तो नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको भी चाहिए क्या? ए सुनो 2 और लेते आना। हाँ लाइए तो आधार कार्ड दीजिएगा। तो नाम आपका वैभव कुमारी, फादर्स नेम सूर्या मिश्रा। अच्छा आप मिश्रा जी हैं, थोड़ा लेट हो गया आने में ना। अरे नहीं समझे, सुबह से ही ग्लासे ग्लास पानी घर के नीचे फेंक रहे थे। एक सेकंड, क्या नीचे जाधव जी का छत था और वो पानी वापस हमारे घर में फेंक रहे हैं? अरे भाई पानी वो फेंक रहे हैं ना, आप हमारा टीवी का फेंक रहे हैं? अरे अरे नहीं नहीं हम पहुंच रहे हैं भाई, बस 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 निकल गए ऑफिस से, निकल गए। सर 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 मेरा काम सर। अरे वैभवी जी एक तो इमरजेंसी आ गया है, निकलना होगा हमको, आपका लगिए ना। सर कल मेरी ट्रेन है और आप मेरी इमरजेंसी समझ नहीं रहे। सर 10 दिन में मेरा सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू होने वाले हैं और पे नहीं किया तो ईयर बैक लग जाएगा सर, करियर का सवाल है सर प्लीज। अरे यार अच्छा ठीक है बैठिए बैठिए जल्दी। हाँ लगे तो थंब, लगे तो जल्दी। अरे मिसमैच हो गया, फिर से लगाइए। अरे आ रहे हैं यार, लगाइए फिर से लगाइए। अरे फिर से मिसमैच हो गया यार। अरे फोन बाद में चला लीजिएगा, जाने में लेट हो रहा है, जल्दी लगाइए महाराज लगाइए। फिर से मिसमैच हो गया आपका। हेलो नहीं 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 पहुंच गए पहुंच गए। अरे 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 मत फेंकिए भाई, पहुंच गए कल आइए पहुंच गए। हाँ भाई चढ़ जाओ हमारे ऊपर। अरे दोस्तों द सरकारी कार्यालय हमारा नया मिनी वेब शो है जिसके 5 एपिसोड्स आने वाले हैं। सरकारी काम है तो थोड़ा समझ लें।
40,000 लाइक और 4,000 कमेंट दे दीजिए, उसके आते ही अगले दिन एपिसोड आ जाएगा नया, क्यों? बिल्कुल। और हाँ, अगर आप लोग भी मेरी तरह क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं तो इंडियाज़ क्विकेस्ट एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग फैंटेसी गेम फैन टू प्ले पर अपनी टीम बनाओ और मैच खेलो, और पैसों के साथ साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीतो।